हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। सो अभी आप थंबनेल देख रहे होंगे, इकोनॉमी का सॉल्यूशन क्लास 12 मॉर्निंग बैच का बताने वाला हूँ मैं, बट मैं अभी नहीं बता रहा। ठीक है, मैं कुछ कुछ बता देता हूँ आपको, बट देखो आप ऐसे मैच करोगे कुछ गलती भी होती हैं, ठीक है, और सारे क्वेश्चन के आंसर भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आपको ऑफिशियल जो आंसर की जो CBSE इशू करती है ना, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से मेरे चैनल पर बने रहना। मैं शाम को आई थिंक 7 या 8 o'clock अपलोड करूंगा, मॉर्निंग भी इवनिंग भी, दोनों ऑफिशियल आंसर की होती हैं जो CBSE इशू करती है। तो आप उसे चेक कर सकते हो किस में कितने नंबर क्या लिखना था, प्रॉपर सारे क्वेश्चन के आंसर उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, सो आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, इधर उधर फालतू के चैनल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इसलिए वीडियो बना दी, कॉल स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे चैनल को सर्च करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऑफिशियल आंसर की उसी वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, और आगे आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें भी दे दूंगा, और मैं आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अलग से क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, बहुत मेहनत करूंगा मैं उन क्लासेस में। ठीक है, सो आपको अगर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, ताकि फ्यूचर में जो भी क्लासेस हो या फिर जो भी आंसर की या कुछ और अपलोड करूँ तो आपको उसका बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन देख लो, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती वस्तु नहीं है, तो मोटरसाइकिल डीलर द्वारा खरीदी गई मोटरसाइकिल। ठीक है, फर्म द्वारा वकील को किया गया भुगतान, स्कूल में प्रयोग लाई जाने वाली वस्तु, टैक्सी कंपनी द्वारा खरीदी गई टैक्सी कार। ठीक है, तो ये वाले मध्यवर्ती वस्तु नहीं है, क्योंकि ये टैक्सी कार उसने खुद के लिए खरीदी है। ठीक है, उसका यूज़ कर रहा है, मध्यवर्ती नहीं होगा। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक चर है, तो मुद्रा पूर्ति स्टॉक चर है। फिर एक सेकंड, मुद्रा पूर्ति, ठीक है, मुद्रा पूर्ति स्टॉक चर है, निवेश जो है वो आय संपत्ति, आई थिंक इसका फर्स्ट और फोर्थ होगा राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट, नहीं नहीं इसका क्वेश्चन क्या था, हाँ, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट कंपोनेंट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीडियो से बेची गई वस्तुओं से वाह। ठीक है, ये सब होंगे। सो ऐसे करके कुछ आंसर्स के टिक लगे हुए हैं, आप देख लो। ठीक है, बाकी मैं ऑफिशियल आंसर की जो है वो आपको शाम तक अपलोड कर दूंगा, 6-7 बजे तक। तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, आप यहीं पर आना, शाम को चेक करना, आपको आंसर की मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं शाम को।